अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? जो मम्मी घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं चावल बना लूं। आती हैं आयशा, लिटिल शेफ हमारे घर की। क्योंकि मुझे छोटा सा कुरान है और बाकायदा से कोई आयात लिखी हुई है, मुकम्मल कुरान पाक है। जुमे का दिन है तो सुबह कहाफ का एहतमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूप में जो है हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई, कराची में मानसून का सीजन चल रहा है। तो ये देखिए बारिश फिर से तेज़ हो गई है क्योंकि यहाँ पर मेहमान आ चुके हैं और बारिश के साथ हो रही है चाय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है अम्मी घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं चावल बना लूँ। तो चावल जो है मैं इस तरह से बना रही हूँ कि हमारे पास पड़ा हुआ था, अम्मी जो है वो कल बना कर गई थी आलू गोश्त का सालन। तो मुझे जो है अम्मी ने कहा कि आप इसी में जो है ना राइस बना लो। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। सो ये प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए स्पून मैंने निकाला ही नहीं तो मैं स्पून निकालती हूँ। तो जी चमचे ने अपनी हाजिरी लगा दी, चमचा बड़ा वाला। तो ये पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये गरम मसाला, फिर बिरयानी मसाला और राइस जो है ये बनस्पति है मैंने भिगो के रख दिया है, ठीक है, साफ़ करके भिगो के रख दिया है। और साथ ही यहाँ पर थोड़े से चने भी पड़े हुए थे फ्रिज में बॉईल किए हुए। और इस तरह से ये रेसिपी से शेयर करी थी आपके साथ कि अगर आपके घर में भी इस तरह हो, कुछ ना हो बना हुआ और अगर कोई सालन पुराना पड़ा हो या कुछ भी इस चीज़ पड़ी हो तो आप उससे पुलाव वगैरह इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे प्याज जो है वो हल्के गोल्डन हो चुके हैं, अब इसमें मैं डाल दूँगी। इसमें कड़ी पत्ता है और इसमें साथ ही है कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी स्पाइसी करने के लिए ज़ीरा है और ऑल दोज थिंग्स के वो है क्या कहते हैं लौंग है, काली मिर्च है। तो ये हमारे प्याज देखें गोल्डन हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं। और इसमें हम डालेंगे क्या, ये इसे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। तो भाई इसमें मैंने डाल दी है सालन और ये देखेंगे इस तरह का हो गया। साथ ही मैं इसमें ये बिरयानी मसाला थोड़ा सा ही था ये भी डाल दूँगी थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये यहाँ पे भुन रहा है। साथ ही जो यहाँ पर यखनी है चिकन की, चिकन को बॉईल किया था तो उसकी यखनी रह गई थी तो ये वो है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी नहीं ऐड करेंगे, पानी की जगह हम ये ऐड करेंगे और ये लास्ट में ऐड करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, इसके दरमियान मैंने कट लगा दिए थे, ठीक है। और अब जो है आ गई हैं आयशा, लिटिल शेफ हमारे घर की। तो ये देखिए तकरीबन भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे इस गिलास से नाप के यखनी। ये डालेंगे ना यार, हाँ भाई ये डालेंगे। इसके हमारे जो चावल हैं वो चार गिलास हैं और ये जो सालन है ये डाला तो इसमें भी तकरीबन एक गिलास पानी तो चला ही गया होगा, ये एक कप जितना। तो हम इसमें डालेंगे चार, वैसे तो चार का डबल डालते हैं लेकिन मैं एक गिलास कम डालती हूँ, तो चार का आठ होता है लेकिन मैं डालती हूँ सात। तो हम डालेंगे छः गिलास पानी इसमें। अच्छा ये चार गिलास जितना हमने डाल दिया इसमें समझे, तो अब चार गिलास ही चावल हैं और इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर लेंगे। चार गिलास ये चला गया, अब चार इसमें से हम दो गिलास आराम से, अब इसमें हम डालेंगे दो गिलास इतना पानी, बस इतना काफ़ी है बस, क्योंकि हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चावल जो है वो नरम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम बॉईल आने का वेट करेंगे, फ्लेम जो इसकी हम हाई है फ्लेम हाई कर देंगे और इसके जो है बॉईल आने का वेट करेंगे। इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे राइस जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे। तो नमक का बताना तो हम आपको भूल ही गए थे, इसमें हम नमक भी डालेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमने सालन इसमें ऐड किया था उसमें पहले से नमक था, तो मैंने टेस्ट किया है तो हम इसमें एक से दो टीस्पून जितना नमक डालेंगे। वैसे अगर आपको क्वांटिटी नमक की परेशान करो तो मैं आपको बता दूँ बस इतना काफ़ी है।
मैं आपको बता दूं कि अगर आप जितने गिलास चावल हो ना उतने चम्मच मतलब खाने का चम्मच आप नमक डालेंगे तो आपका नमक चावलों में बराबर होगा। तो मैंने तो जब भी इसका यूज़ किया इस टिप का तो मेरे बस काफ़ी काम आई है। अगर आप मतलब के नॉर्मल राइस बना रहे हैं अगर इस तरह से आप पहले से सालन ऐड कर रहे हैं ज़ाहिर उसमें नमक होता है, अगर आप पैकेट का मसाला ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी नमक होता है, तो आपने फिर उसके टेस्ट के हिसाब से डालना है। अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपने ये करना है कि जितने गिलास चावल हैं उतने खाने के चम्मच आपने नमक इसमें शामिल कर देना है। तो ये देखिए चावलों में पानी में उबाल आ चुका है, इसमें हम डाल देंगे ये चने, ठीक है। तो ये हम डाल देंगे इसमें राइस। राइस में जो है आप जब राइस का मतलब पानी निकालते हैं तो लास्ट में इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पानी छोड़ा करें, इससे ये होता है कि अगर चावलों में गंदगी होगी मतलब मिट्टी वगैरह रेत होती है अक्सर चावलों में तो वो यहाँ रह जाएगी। तो जी इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, ठीक है। और ये तवा मैं इसको उठा के रखती हूँ, ठीक है। तो वो अब ऐसे तो रख नहीं पाऊंगी तो शूट फोकना पड़ेगा। तो जी मैंने इस पर तवा उठा के रख दिया और आँख बिल्कुल इसकी डिम है और अभी दम लग चुके हैं, बर्तन धुल चुके हैं, इनको ठिकाने लगाने हैं। तो अब इसका हम 15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद ये बन जाएंगे और जब तक हम नमाज पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। जब तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे अपने कमरे में जहाँ कुरान है, ये अम्मी की बहुत पुराना कुरान है, अम्मी के पास बहुत, हाँ ये हमारी जो दादी हैं वो हज से लाई हैं, अभी अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाया, उनका इंतकाल हो चुका है। ये हज से वो लेकर आई थी कुरान, माशाल्लाह से मेरी दादी ने बहुत हज और उम्रे किए थे और वो अक्सर वहाँ से चीज़ें लाती थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कुरान, आयशा दिखाइएगा, बहुत ही खूबसूरत है, एक तरह से दादी की निशानी के तौर पर हमारे पास है और इसे हमने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। अम्मी को पता चलेगा हमने निकाला है इसे तो अम्मी बड़ा डांटेंगी क्योंकि वो घर पर नहीं थे, हमने सोचा कि क्यों ना ये कुरान भी आपको दिखा दें। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कुरान है, कुरान तो जैसा भी हो खूबसूरत ही होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, छोटा सा कुरान है और बाकायदा से पूरी आयात लिखी हुई है, मुकम्मल कुरान पाक है, ये देखिए। और ये टेबल तो मैं दिखाना भूल ही गई, ये मेरी सिस्टर ने अपने डेकोरेट किया है, ये यहाँ पर आकर वो अक्सर कॉइट्स वगैरह लिखती हैं, उनकी कॉइट की बुक है, उसके अलावा पंसूरा है यहाँ पढ़ती हैं। और ये बिखरे मोती है ना, ये बिखरे मोती वो बहुत शौक से पढ़ती हैं उन्होंने यहाँ पर अपने टेबल पर। इसके अलावा ये भी उन्होंने ही बनाया है बिस्मिल्लाह का फ्रेम, और इसके अलावा यहाँ पर और भी फ्रेम लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फ्रेम है ये भी आप ही ने सारे बनाए हैं और ये सारा रूम डेकोरेट भी आप ही ने किया, अभी थोड़ा सा हमने जो है इसकी मतलब कुशन्स वगैरह फैला दिए। और ये जो है ना ये चीज़ ये कपड़ा ये भी मेरी जो दादी है वहाँ से लेकर आई थी, वहाँ का है ये, तो उस वक्त से लेकर अभी तक ये दादी का कमरा था पहले, तो ये अभी तक हमने दादी के कमरे में ही लगा के रखा हुआ है। पहले मैंने दादी की यहाँ तस्वीर रखी थी दादी दादा की, लेकिन वो हटा दी क्योंकि जो है तस्वीर रखने से फरिश्ते नहीं आते घर में और यहाँ पर हम तिलावत वगैरह भी करते हैं, तो इसलिए हमने वो पिक्चर्स हटा दी हैं। उसके ये पिक्चर्स इसके पीछे हैं, दिखाना ऐशा, इसके ऊपर हमने बिस्मिल्लाह का फ्रेम आगे से लगा दिया है और पिक्चर्स पीछे कर दिए हैं। ये रहे दादी दादा, तो इनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो यहाँ पर जो है वो राइस बन चुके हैं, ये रहे दम हो चुका है, हद होती है, ठीक है।
तो जनाब तेज धूप में जो है हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई कराची में। मानसून का सीजन चल रहा है और बारिश स्टार्ट हो गई है। खाना वगैरह हमने खा लिया था और अब जो है 4 बजे के टाइम पे यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ गई हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ पर हमने इन पे जो है प्लास्टिक नहीं डाली। मैंने सुबह धूप थी तो मैंने प्लास्टिक हटा दी थी, तो अब जो है इन पे वापस प्लास्टिक डाली है। बारिश के पौधे देखिए कितने अच्छे खिल जाते हैं। बहुत तेज़ है बारिश, बार बार तेज़ हो रही है फिर हल्की हो रही है, क्योंकि ये जो है बादल जो है वो आ रहे जा रहे हैं। तो ये देखें बिल्कुल काले स्याह बादल। अच्छा, यहाँ पर करेला जो है वो ग्रो कर रहा है, निकला है छोटा सा, ये रहा बड़ा हो गया माशाल्लाह। फोकस नहीं हो रहा, कोस कैमरा जो है वो गीला ना हो जाए, ठीक है। ये देखें ये करेले का प्लांट है, इसे अम्मी ने इस तरह से इसके साथ बांधा हुआ भी है और इस पर करेला भी निकला है। ये टायर में भी लगाया है प्लांट और ये मैंने इन पर प्लास्टिक डाल दी है। तो ये देखिए बारिश फिर से तेज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है बादल आ चुका है। जो है अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, हमने कपड़े धोए थे तो यहाँ पर कपड़े डले हुए हैं, इनको उतारना है क्योंकि ये गीले हो रहे हैं। कल हमने कपड़े धोए थे, कल भी बारिश हुई थी तो ये दोबारा गीले हो गए थे, तो अब इसे हमने उतारना है। सूख चुके हैं सारे कपड़े, चादरें वगैरह सब धोई थी और मैं भी दोबारा से भीग चुकी हूँ। मसला ये है कि अम्ब्रेला होने के बावजूद भी मैं भीगी हूँ। ऐसा होता है कहीं पर? हमारे यहाँ होता है, अम्ब्रेला होने के बावजूद भी भीग जाते हैं। ये देखिए सामने बारिश हो रही है, अभी रुक गई है, वापस से स्टार्ट होगी जब तक मैं कपड़े उतार लूँगी ये सारे। आपको बताते चलूँ कि हमारे घर के आके झील भी है, जो कि ये रही, ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं झील में। जब भी बारिश होती है लिटरली बच्चे आकर यहाँ पर नहाते हैं, यहाँ तक कि बारिश के बाद भी बच्चे यहाँ नहाते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ पर झील है, दरिया है या स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये सारा व्यू है हमारे घर के सामने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर ऐसी प्लेस पर है कि सामने से बहुत अच्छी हवा आती है, अभी भी बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो ये हमारे घर का सामना है, सामने इतना बड़ा ग्राउंड है, आई होप यू कैन सी। तो अब टाइम है हमारी चाय का, हो रही है बारिश और बारिश के साथ हो रही है चाय। और अम्मी आज नहीं आ सकी क्योंकि बारिश का मसला, आई थिंक क्या पता रात तक आ जाए या फिर ना आ पाए आज। और हम तो भाई यहाँ बड़ा एंजॉय करें। आप बताएं कि जब बारिश होती है तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाय, पकौड़े या फिर एनीथिंग एल्स, जो समोसे वगैरह जो आपको पसंद हो? बारिश में आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? ये देखिए चाय में भी पानी जा रहा है और बाहर लोग भी हैं और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश है। तो यहाँ पर बारिश की वजह से आ गए हैं कबूतर। ये दो कबूतर हैं, ये हमेशा आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। और पहले इन्होंने यहाँ पर बैठते थे और यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया था इन्होंने। तो ये हमारे मतलब ज़ाहिर घर के अंदर का एरिया है, तो यहाँ पर सीढ़ियों में यहाँ कचरा पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा। इन्होंने दीवार पूरी गंदी कर दी थी, पिट जो भी कहते हैं, तो पूरी दीवार इन्होंने नीचे तक पूरी गंदी कर दी थी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर हमने हटा दिया था, भगा दिया था, लेकिन आज बारिश है तो आज हमें इन्हें यहाँ पर रहने की जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि बेचारे बारिश बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे। और ये जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो सामने ग्राउंड में लोग पागल हो जाते हैं, उनको अचानक दौरा पड़ जाता है, ओह बारिश स्टार्ट हो गई, केवल बाहर बच्चे वगैरह खेलने आए हैं तो इसलिए। तो जनाब अब हो चुकी है रात, बारिश भी हो चुकी है ख़त्म और आई होप शायद रात में बारिश हो, क्योंकि ये कराची में जो दूसरा स्पेल बारिश का दाखिल हो चुका है। और सूरत हाल हमारे इलाके की कुछ ये है, यहाँ पर हमारे रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घर है इसके नीचे जो रोड है, मतलब हमारे घर का जो रोड है फ्रंट का, यहाँ पर पानी कभी भी जमा नहीं होता। बाकी जो है आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।